नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्प्रिंग अप में। दोस्तों हम खनिज के तीन भाग कर चुके हैं। राजस्थान में कौन कौन से खनिज हैं उसकी हम आज देखेंगे चौथा भाग, आगे का नेक्स्ट चैप्टर। हम भारत तक खनिज कर चुके हैं और आज देखिए कैल्साइट तेरहवां खनिज है हमारा। दोस्तों ये कैल्साइट है जो प्रमुखतः उदयपुर, सिरोही, सीकर व पाली में पाया जाता है। आपको ध्यान रखना होगा, एग्जामिनेशन आपसे पूछ सकता है कि इनमें से किस में कैल्साइट नहीं पाया जाता, तो निश्चित तौर पर आपको उदयपुर, सिरोही व सीकर व पाली इनको ध्यान रखना होगा। और राजस्थान में कैल्साइट के सर्वाधिक 50% भंडार हैं, आपको ये भी ध्यान रखना होगा। राजस्थान में जो कैल्साइट के भंडार हैं वो 50% है और सर्वाधिक उत्पादन भी राजस्थान में 90% होता है। और कैल्साइट का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में क्रमशः उदयपुर व सिरोही में होता है। आपसे एग्जामिनर ऐसे पूछ सकता है कि कैल्साइट का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में कहां-कहां पर होता है प्रमुखतः, तो आपको ध्यान रखना उदयपुर व सिरोही में। फिर हमारा नेक्स्ट खनिज है अभ्रक अमाइका। दोस्तों इसमें सर्वाधिक जो ये अभ्रक पाया जाता है वो है भीलवाड़ा, दांता, बुनास, बनेड़ी, उदयपुर, आमेर, चंपागुड़ा, भगतपुरा और अजमेर, राजसमंद, टोंक, यहाँ पर दोस्तों ये मिलता है। आपको ध्यान रखना होगा जो भी अभ्रक पाया जाता है प्रमुखता से। और नेक्स्ट है दोस्तों ये जो अभ्रक है वो आग्नेय व कायांतरित चट्टानों में प्राप्त होता है। इसकी प्रमुख बात है कि वो कौन सी चट्टानों से प्राप्त होता है, आपसे ऐसे पूछ सकता है एग्जामिनर, तो आपको बताना आग्नेय व कायांतरित चट्टानों में ये प्राप्त होता है। और अभ्रक ईंट निर्माण उद्योग भीलवाड़ा में केंद्रित है, ये भी आपको बात ध्यान रखनी होगी। अभ्रक जो है वो ईंट निर्माण उद्योग भीलवाड़ा में केंद्रित है। और अभ्रक के भंडारों व उत्पादन की दृष्टि से देश में आंध्र प्रदेश प्रथम व राजस्थान सेकेंड स्थान पर है, यह ध्यान रखना होगा। अभ्रक के जो भी उत्पादन है वो भंडार हैं उनमें से सेकेंड नंबर व राजस्थान की पोजिशन है और पहले स्थान पर जो है आंध्र प्रदेश है। और राजस्थान में सर्वाधिक अभ्रक भीलवाड़ा से प्राप्त होता है, ये आपको इम्पोर्टेंट बात है कि भीलवाड़ा से ही सर्वाधिक अभ्रक प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट डोलोमाइट। डोलोमाइट दोस्तों राजसमंद, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा व अलवर से डोलोमाइट प्राप्त होता है, ये आपको ध्यान रखनी होगी, ये इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है दोस्तों, डोलोमाइट की ये राजसमंद, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा व अलवर इन पाँच जिलों से डोलोमाइट की उत्पादन होता है। वो चूना बनाने में प्रयुक्त किया जाता है ये डोलोमाइट। और नए भंडार बांसवाड़ा के गहनोर व मोजीन तथा राजसमंद में मिले हैं। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि गहनोर व मोजीन कौन से खनिज के लिए नए स्थान चिन्हित किए हैं, तो आपको ध्यान डोलोमाइट और वो कहाँ पर है बांसवाड़ा के अंदर, ऐसा भी पूछ सकते हैं। गहनोर व मोजीन जो भी नए भंडार डोलोमाइट के मिले वो कौन से जिले में, तो आपको ये ध्यान रखना बांसवाड़ा में। ऐसे दोस्तों थोड़ा मतलब पीछे से आगे से ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन अगर आप कोई भी रीड करें तो निश्चित तौर पर उसका प्रत्येक एक्सपेक्ट देखिए आप कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है निश्चित तौर पर एग्जाम में। इस प्रकार आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको एग्जाम में बहुत ही फायदा मिलेगा। फिर दोस्तों हमारा 16 खनिज है 16वां, ये पाइराइट्स जो भी सलादीपुर सिक्कर में इसका उत्पादन होता है पाइराइट्स। और गंधक का तेजाब व उर्वरक बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों गंधक का तेजाब व उर्वरक बनाने में इसका पाइराइट्स का प्रयोग किया जाता है। और गार्नेट दोस्तों है वो टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर में पाया जाता है। और चूना पत्र दोस्तों लाइमस्टोन, वो इम्पोर्टेंट बात है कि चूना पत्थर जो लाइमस्टोन है वो केमिकल ग्रेड का तो जोधपुर और नागौर में मिलेगा आपको। अगर आपको कभी चाहिए केमिकल ग्रेड का चूना पत्थर तो जोधपुर और नागौर में जाइएगा। और सीमेंट ग्रेड का दोस्तों चाहिए तो आप चित्तौड़गढ़, नागौर और बूंदी में जाइएगा। निश्चित तौर पर वहाँ आपको चूना पत्थर का सीमेंट ग्रेड है वो मिलने वाला है चित्तौड़गढ़, नागौर और बूंदी में। और बांसवाड़ा में अगर आप जाओगे तो जैसलमेर, कोटा, तो बांसवाड़ा का चूना पत्थर चाहिएगा तो निश्चित तौर पर आपको जैसलमेर, कोटा व झालावाड़ जाना होगा। और दोस्तों स्टील ग्रेड का जो सानू जैसलमेर, उदयपुर में मिलेगा आपको स्टील ग्रेड का। ठीक है दोस्तों, फिर स्टील ग्रेड का आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, और सीमेंट ग्रेड का हमने बता ही दिया था। सीमेंट ग्रेड का दोस्तों आपको मिलेगा
सीमेंट ग्रेड दोस्तों, यहाँ पर पहला केमिकल ग्रेड, दूसरा सीमेंट ग्रेड और तीसरा है स्टील ग्रेड, ये इस पर ध्यान रखना दोस्तों। और केमिकल ग्रेड जोधपुर नागौर में पढ़ लिया, सीमेंट ग्रेड दोस्तों चित्तौड़गढ़ नागौर बूंदी बांसवाड़ा जैसलमेर कोटा झालावाड़, यहाँ पर सीमेंट ग्रेड का मिलेगा आप अगर वहाँ पर, हमने गलत पढ़ लिया बांसवाड़ा ग्रेड नहीं सॉरी, यहाँ पर सीमेंट ग्रेड का है बहुत, चित्तौड़गढ़ नागौर बूंदी बांसवाड़ा जैसलमेर कोटा झालावाड़ में आपको सीमेंट ग्रेड का मिल जाएगा। और स्टील ग्रेड का दोस्तों आपको मिलेगा सानू जैसलमेर व उदयपुर में, स्टील ग्रेड का आपको लाइमस्टोन मिल जाएगा इस प्रकार आपको मिलेंगे। और सीमेंट निर्माण इस्पात उद्योग चीनी परिशोधन में प्रयुक्त किया जाता है, ये भी सीमेंट निर्माण और चूना पत्र है ना दोस्तों, वो सीमेंट निर्माण इस्पात उद्योग चीनी परिशोधन में प्रयुक्त किया जाता है, चूना पत्र औषधि शैलों में पाया जाता है, ये ध्यान रखना होगा। और नागौर के गोटन तथा खारे गंगा जोधपुर में सफ़ेद सीमेंट के कारखाने, इस बात को आपको इम्पोर्टेंट बात है कि सफ़ेद सीमेंट के कारखाने नागौर के गोटन व खारे गंगा जोधपुर में, सीमेंट सफ़ेद सीमेंट चाहिए ना तो वहाँ पर जाइएगा आप। और दोस्तों फिर देखते हैं कि राज्य में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन का सर्वाधिक उत्पादन सिरोही व चित्तौड़गढ़ में होता है, ये इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी सीमेंट का ग्रेड लाइमस्टोन का सर्वाधिक उत्पादन वो सिरोही व चित्तौड़गढ़ में मिलेगा आपको अगर जाइएगा तो। और स्टील ग्रेड लाइमस्टोन का सर्वाधिक उत्पादन जैसलमेर में मिलेगा, और देश में चूना पत्र का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में मिलेगा आपको, इस प्रकार आपको ये ध्यान रखनी होगी दोस्तों। अगर आपको सिलिका सैंड चाहिएगा तो चित्तौड़गढ़ सवाई माधोपुर बारोदिया खिमज बूंदी, ये स्थान है बूंदी में, बारोदिया खिमज और बूंदी में आपको इस प्रकार के सिलिका सैंड मिल जाएंगे, यानी चित्तौड़गढ़ व सवाई माधोपुर बारोदिया खिमज ये बूंदी में स्थान पड़ते हैं, वहाँ पर आपको सिलिका सैंड मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आपको कहीं दूसरी जगह भी चाहिएगा सिलिका सैंड तो आपको वहाँ जा सकते हो, उदयपुर जिर एलनपुर सवाई माधोपुर में स्थान ये पड़ता है एलनपुर, और ये दोस्तों सिलिका सैंड जो आपको, अगर आपको सिलिका सैंड चाहिएगा और आपको वहाँ प्रयोग किस प्रकार करोगे तो आपको कांच उद्योग में अगर आपको सिलिका सैंड प्रयोग कर सकते हो, धातु गलाने के उद्योग में भी आप सिलिका सैंड को प्रयुक्त कर सकते हो। राजस्थान में देश में तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य है जो राजस्थान है ना, सिलिका सैंड का उत्पादन करने के मामले में तीसरा स्थान है, ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। थोड़ा हम यहाँ पर कंफ्यूज हो गए तो इस बात को आप ध्यान रखना हो, केमिकल ग्रेड सीमेंट ग्रेड और स्टील ग्रेड, यहाँ तीन प्रकार के ग्रेड थे चूना पत्र के, तो ध्यान रखना होगा। और सीमेंट ग्रेड के दौरान ये निश्चित तौर पर ये आएंगे दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ हम आपसे लेंगे विदा और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, और इसका नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे जो भी हमारा खनिज चल रहा था 20वां खनिज से आगे देखेंगे, और खनिज कंप्लीट करने के बाद में हम चलेंगे आपको राजस्थान का पूरा भौतिक स्वरूप ऐतिहासिक स्वरूप इत्यादि के बारे में डिटेल से जानकारी देने के लिए। निश्चित तौर पर बने रहेगा हमारे साथ, तो देखते रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल स्प्रिंग अप। दोस्तों अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्प्रिंग अप को सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश करूंगा कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वो जो भी लाल बटन लगाना उस पर क्लिक कीजिए, और जो पास में घंटी का साइन है उस पर क्लिक कीजिए, ताकि हम जो भी इसका नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो वो आपका मोबाइल पर ऑटोमेटिकली आपके पास में आ जाएगा, और निश्चित तौर पर आपका वो मिस नहीं होगा दोस्तों। हम इसी प्रकार वीडियो लाते रहते हैं कंटिन्यू, आप देखते रहेगा तो निश्चित तौर पर आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है, कंटिन्यू बने रहेगा दोस्तों। आप दिन में अगर 5-10 मिनट हम आप निकाल देंगे तो निश्चित तौर पर आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला, आप यकीन कीजिएगा दोस्तों। हम बहुत ही मेहनत करके वीडियो अपलोड करते हैं, और निश्चित तौर पर हमें टाइम लगता है, पहले बुक्स में रीड आउट करके निश्चित तौर पर उसका सार संक्षिप्तीकरण करके उसके बाद में डिटेल रूप से आपके पास लाते हैं दोस्तों। निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कितना टाइम लगता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सकेगा इसका। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमें मालूम पड़े कि हम किस प्रकार कार्य कर रहे हैं। और इस संबंध में कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद जय भारत।